हेलो फ्रेंड्स, हमारे जो बॉयलर के कंपोनेंट हैं लगभग सारे हो चुके हैं। मैंने आपको लेक्चर जो हमारा 40 है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। मैंने आपको पहले बॉयलर ड्रम बताया था, बॉयलर ड्रम के बाद वर्किंग ऑफ बॉयलर बताया था, और उसके बाद कई सारे कंपोनेंट जैसे सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, स्टीम इजेक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, कंडेंसर, कूलिंग टावर, कई सारे कंपोनेंट मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर होता है, वाटर का फ्लो कैसे होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, हम उसको एक बार ये देख लेते हैं। तो अगर आपने लेक्चर हमारे तो अगर आपने लेक्चर 40 एंड 41 नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देखें एंड इसके बाद इसको देखें, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताऊँगा तो सारा का सारा उसी से रिलेटेड है। तो देखें, पहले हम बात करते हैं इकोनोमाइजर से। हमारा इकोनोमाइजर यहाँ पे है कहीं, हमारा इकोनोमाइजर में पहले हमारा वाटर आता है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो हमारा वाटर होता है उसका फ्लो कैसे होता है। तो मैं कुछ शॉर्ट में भी लिख सकता हूँ तो आपको पता होना चाहिए। इकोनोमाइजर के बाद हमारा वाटर कहाँ जाता है, बॉयलर ड्रम में। अब आप रिकॉल करते रहें जो मैंने बताया था आपको फिगर बना के, बॉयलर ड्रम में जाएगा हमारा वाटर। बॉयलर ड्रम के बाद कहाँ जाता है, देखें कुछ पार्ट तो हमारा वाटर मॉल में जाता है, कुछ पार्ट सुपर हीटर में जाता है, मीन्स कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। तो पहले हमारा कहाँ जाता है, डाउन कमर से होते हुए राइजर वॉल्स या वाटर वॉल्स, कुछ भी बोले इसको, कई सारे नाम होते हैं, वाटर वॉल्स में जाता है। वाटर वॉल्स के बाद स्टीम बनती है, स्टीम बनने के बाद ये वापस हमारा कहाँ जाता है, बॉयलर ड्रम में। बॉयलर ड्रम में हमारा जाता है। अब बॉयलर ड्रम के बाद ये वापस कहाँ जाता है, जो हमारा सुपर हीटर होता है, कौन सा पहले जाता है, कन्वेक्टिव सुपर हीटर में। कन्वेक्टिव सुपर हीटर में हमारा वाटर जाता है। कन्वेक्टिव सुपर हीटर के बाद कहाँ पे जाता है, जो भी हमारा रेडिएंट सुपर हीटर होता है, रेडिएंट सुपर हीटर में हमारा वाटर जाता है। वाटर मीन्स अब यहाँ पे तो स्टीम बन चुका है। रेडिएंट सुपर हीटर के बाद हमारा जो डी सुपर हीटर होता है, डी सुपर हीटर यहाँ पे जाता है। एंड डी सुपर हीटर के बाद हमारा पेंडेंट सुपर हीटर में, पेंडेंट सुपर हीटर। अब पेंडेंट सुपर हीटर के बाद जो भी हमारी हाई प्रेशर टर्बाइन होती है वहाँ पे जाएगा, हाई प्रेशर टर्बाइन। हाई प्रेशर टर्बाइन के बाद नेक्स्ट हमारा रीहीटिंग में जाता है, रीहीटर में। तो यहाँ से क्या होता है, कोल्ड रीहीट आती है, कोल्ड रीहीट बोलते हैं इसको, जो भी स्टीम आएगी कोल्ड रीहीट, एंड ये रीहीटर में जाएगा। एंड रीहीटर के बाद वापस ये जब ये हॉट हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या बनेगी, हॉट रीहीट। हॉट रीहीट हमारी कहाँ पे जाएगी, इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन पे, इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन। इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन के बाद लो प्रेशर टर्बाइन, लो प्रेशर टर्बाइन। एंड लो प्रेशर टर्बाइन के बाद हमारा कंडेंसर, कंडेंसर। अब कंडेंसर के बाद हमारा वापस कहां पे जाएगा, कंडेंसेट, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। ये मैंने आपको नहीं बताया कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप क्या होता है। जो भी हमारे कंसेंट्रेट हो गए कंडेंसेट होते हैं उसके लिए हमारा जो पंप लगा होता है उसके बाद ही यहाँ पे जाएगा। एंड इसके बाद जो भी हमारा इजेक्टर लगा होता है इजेक्टर में जाना है, इजेक्टर। इजेक्टर के बाद जो हमारा लो प्रेशर हीटर होता है, लो प्रेशर हीटर। अब देखिए, हमने जो हमने बात किया था वहाँ पे वाटर हीटर के बारे में, फीड वाटर हीटर, वही फीड वाटर हीटर है। तो ये कौन सा वाला, लो प्रेशर वाला, मीन्स जब हम एक्सपेंशन करा रहे हैं तो जब प्रेशर हमारा कम होता है जो वहाँ से हम वाटर जो वहाँ से हम स्टीम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो वाला हीटर है। लो प्रेशर हीटर के बाद डी एरेटर में जाता है, डी एरेटर। डी एरेटर क्या होता है, जो भी एयर के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं तो एयर के पार्टिकल्स को हम रिमूव करते हैं, कहाँ पे करते हैं, डी एरेटर में करते हैं। डी एरेटर के बाद ये जाता है हमारा
डिएरेटर के बाद ये बूस्टर पंप में जाता है। बूस्टर पंप, बूस्टर पंप कुछ नहीं हमारा पंप ही होता है। बूस्टर पंप के बाद ये जाता है बॉयलर फीड पंप में। बॉयलर फीड पंप ये हमारा फाइनल पंप होता है। एंड बॉयलर फीड पंप इसके बाद कहां पे जाता है, ये इसके बाद ये हाई प्रेशर हीटर में जाता है। अब देखिए दो हीटर की हमने बात की, हाई प्रेशर हीटर एंड लो प्रेशर हीटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो हम स्टीम लाते हैं वो लो पार्ट से लाते हैं, मीन्स जहाँ पे प्रेशर लो होता है, एंड ये जो हाई प्रेशर टरबाइन हीटर होता है इसमें जो हम स्टीम लाते हैं वो हाई प्रेशर वाली होती है। समझ रहे हैं, हम रीजनरेशन की बात कर रहे हैं। रीजनरेशन में आपको याद रखिए हमने वाटर फीड वाटर हीटर के बारे में बात कर रहा था, तो ये लो वाला है ये हाई वाला है। एंड इसके बाद हमारा जो भी फीड रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, फीड रेगुलेटिंग सिस्टम, यहाँ पे हमारा वाटर जाता है। एंड इसके बाद वापस ये इकोनोमाइजर, तो ये हमारी वाटर सर्कल होती है। वाटर हमारा कुछ ऐसे मूव करता है, इकोनोमाइजर से स्टार्ट होता है, इकोनोमाइजर में वापस पहुंच जाता है। अब जो हमारा कंडेंसर होता है, तो कंडेंसर में हमारा एक चीज होती है क्या, कूलिंग टावर। कूलिंग टावर यहां से आता है, वापस कंडेंसर में पहुंच जाता है। तो ये कुल मिला के हमारी साइकिल है, वाटर ऐसे फ्लो होता है। अगर आपने लेक्चर नंबर 41 देखा है तो आपको आसानी से पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा था। इकोनोमाइजर, बॉयलर ड्रम, वाटर बॉल्स, बॉयलर ड्रम, कन्वेक्टिव सुपर हीटर, ये ऐसे मूव करते रहेगा। तो इस तरह से हमारा वाटर फ्लो होता है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे हम एक चीज और कनेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा हाई प्रेशर टर्बाइन है, यहाँ से हम कुछ स्टीम लाते हैं हाई प्रेशर हीटर में, ये यहाँ से निकल जाता है। इसी तरह हमारा जो लो प्रेशर टर्बाइन है, यहाँ से हम कुछ लाते हैं लो प्रेशर हीटर में। सो देखें ये सिंपल सी वर्किंग है। नेक्स्ट हमारी एक प्रॉब्लम आई थी हाइट ऑफ चिमनी पे। तो हाइट ऑफ चिमनी पे हम इसका डेरिवेशन तो नहीं करते हैं, बल्कि हम इस पर एक प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम के पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं डेरिवेशन इसका नहीं कर रहा क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, पर हमारा जो फॉर्मूला आता है एक एच इक्वल टू 353 H इंटू 1/TA माइनस M प्लस 1/M इंटू 1/TG। ये फार्मूला आता है, इस फार्मूले से ही इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इसका डेरिवेशन होता है, यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं है। अगर किसी को पढ़ना ही है तो आप नोट से देख लें। तो यहाँ पे जो भी टर्म दे रखे हैं, जो हमारा एच है वो क्या है, ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है मैंने आपको बताया था, ड्रॉट हमारा जो होता है वो प्रेशर डिफरेंस होता है, जिसके कारण हमारी जो एयर है वो मूव करती है, जो एयर सर्कुलेशन होता है वो प्रेशर डिफरेंस कारण होता है, वही प्रेशर डिफरेंस को हम ड्रॉट बोलते हैं। इसके जो यूनिट होती है, ये जो प्रेशर की यूनिट होगी वही यहाँ पे इसकी यूनिट होगी। तो यहाँ पे हम जो इसकी यूनिट यहाँ पे रखे हैं वो mm ऑफ वाटर में है। ये क्या है, प्रेशर ही है, प्रेशर की यूनिट हम कई सारे जानते हैं। तो ये हमारा mm ऑफ वाटर प्रेशर है यहाँ पे एच। और जो हमारा ये एच है कैपिटल एच, ये क्या है, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी। जो हमारा टी ए है, मैं इसका फिगर एक बार बना देता हूं, ये हमारी चिमनी है, इसकी हाइट क्या है, एच। और ये जो ये हमारा सराउंडिंग है, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर टी ए, एंड यहाँ पे डेंसिटी कितनी है, रो ए, और इसके अंदर हमारा टेम्परेचर है कितना, टी जी, चिमनी के अंदर, और डेंसिटी कितनी है, रो जी। और जो हमारा मास प्रोडक्ट यहाँ से हो रहा है, तो जो एयर का मास प्रोडक्ट कितना है, एम डॉट है। और जो हमारा फ्यूल है, मान लेते हैं कि एक किलोग्राम फ्यूल के लिए मास प्रोडक्ट कितना है, एम डॉट है। एक किलोग्राम फ्यूल के लिए मास प्रोडक्ट कितना है, एम डॉट है, हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर रखा है। तो सिंपल सी बात है, अगर 10 किलोग्राम हमारा फ्यूल हो तो मास प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, एयर का 10 m। सो टेम्परेचर टी ए क्या है हमारा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग।
जो हमारा टी जी है ये क्या है, टेम्परेचर ऑफ गैस इनसाइड चिमनी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा एम, एम क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल। एक किलोग्राम फ्यूल के लिए जो भी मास रेट है उसको हमने एम लिखा है। तो ये हमारा फार्मूला बनता है, इस फार्मूले का यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसके अलावा हमारा डेंसिटी का फार्मूला ही बनता है जो आप जानते हैं, रो ए मीन्स जो एयर यहाँ पे है इसकी डेंसिटी कितनी होती है, पी ए अपॉन आर टी ए। इस तरह जो यहाँ पे अंदर है रोजी इसकी डेंसिटी क्या होती है, सॉरी ये पी रो ए क्यों, ये रोजी यहाँ पे जो डेंसिटी है ये किसके इक्वल होगी, पी ए अपॉन आर टी जी इंटू एम प्लस वन अपॉन एम। ये डेंसिटी कहाँ पे आती है, यहाँ पे, ये डेंसिटी कहाँ पे आती है, बाहर। ये सब आती है, इसका डेरिवेशन हम करते हैं तभी आती है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसके अलावा भी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो रोजी आता है ये जो रोजी है इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 353 एम प्लस वन अपॉन एम इंटू वन अपॉन टी जी, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये रोजी का एक फार्मूला आ जाता है ये वाला, हमको इनकी जो तो ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हमको बस एक ही फार्मूले से ज़्यादा मतलब रहता है, तो इस फार्मूले से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे माउंटिंग्स एंड एक्सेसरीज ऑफ बॉयलर्स। तो पहले हम बात करते हैं माउंटिंग्स की, तो माउंटिंग्स हमारी क्या होती है, माउंटिंग्स हमारी एक तरह एक डिवाइसेस या फिर फिटिंग्स होती हैं जिनका यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बॉयलर की ऑपरेशन के लिए और सेफ्टी के लिए। तो याद रखें माउंटिंग्स जो होती है हमारी बॉयलर की सेफ्टी एंड ऑपरेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। और अगर हम बात करें एक्सेसरीज की, तो एक्सेसरीज जो हमारी होती हैं बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करती हैं। अब अगर हमारी माउंटिंग्स नहीं है तो हमारा बॉयलर ऑपरेट नहीं कर सकता, एक्चुअली ऑपरेट कर तो सकता है पर अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकता, जैसे उसमें सेफ्टी बिल्कुल कम रहेगी एंड ऑपरेशन में हमारी काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और जो एक्सेसरीज होती है अगर हमने उनको नहीं भी लगाया फिर भी हमारा बॉयलर काम कर सकता है। तो देखते हैं दोनों में, तो पहले हम क्या देखते हैं माउंटिंग्स। माउंटिंग्स ये किसके लिए होती है, फॉर ऑपरेशन एंड सेफ्टी। तो हमारी जो पहली माउंटिंग है वो है क्या, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व इससे क्या समझते हैं, देखिए जो हमारा बॉयलर होता है उसके टॉप में सेफ्टी वॉल्व लगी होती है, जैसे ये बॉयलर है यहाँ पे हमने सेफ्टी वॉल्व लगा देंगे। सेफ्टी वॉल्व का काम क्या होता है ये देखते हैं, अगर हमारे बॉयलर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाए मीन्स जैसे जो हमारा ये होता क्या है बॉयलर, एक तरह से हमारे ड्रम ही होते हैं तो इनकी कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ प्रेशर तक ये रह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया है तो अगर हमने यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है तो ये क्या होगा, ये ड्रम फट सकता है। तो अब अगर ये ड्रम बस्ट होगा तो उसके आसपास कई सारे चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ा प्लांट होता है, काफ़ी लोग भी होते हैं, तो अगर ये फटेगा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, यहाँ से हर चीज़ों का काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे नुकसान होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व लगा लेते हैं। सेफ्टी वॉल्व में होता क्या है, अगर बॉयलर प्रेशर एक निश्चित लेवल से ऊपर चला गया तो ये सेफ्टी वॉल्व क्या होती है, बस्ट हो जाती है। ये बस्ट होती है तो यहाँ से जो भी गैसेस होती हैं, जो भी स्टीम होती है, ये वापस बाहर निकल जाता है। तो जब बाहर निकल जाएगा तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। तो सेफ्टी वॉल्व का यूज़ हम करते हैं बॉयलर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, अगर ज़्यादा हुआ तो ये यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देगा। पहला हमारा हुआ सेफ्टी वॉल्व, दूसरा हमारा होता है वाटर लेवल इंडिकेटर। अब वाटर लेवल इंडिकेटर आप नाम से इसको बता सकते हैं कि ये क्या है, जब भी हमारा बॉयलर है यहाँ पे जब भी वाटर का लेवल है उसको पता करने के लिए हम इसको लगाते हैं। तो इससे होता क्या है, ये कंटिन्यूसली रीडिंग देते रहेगा कि हमारे बॉयलर में वाटर कितना बचा है। अब देखें अगर वाटर की रीडिंग ये नहीं देगा तो होगा क्या, अगर वाटर कम हुआ तो वाटर कम में हम हीट तो बराबर ही दिए जा रहे हैं तो यहाँ पे ओवर हीटिंग हो सकती है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर हमें ऐसे बार बार बताते रहे कि हमारे बॉयलर में इतना वाटर बचा है, ये हमारी दूसरी माउंटिंग हो गई। थर्ड अगर हम बात करें प्रेशर गेज, प्रेशर गेज
अब ये प्रेशर गेज ये क्या होता है, आपको पता है प्रेशर गेज क्या होता है? बॉयलर के अंदर जो भी इतना भी प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए प्रेशर गेज लगाते हैं। यहीं पे हम प्रेशर गेज लगा देंगे, यहाँ पे दो फ्रेंड में प्रेशर गेज हमने लगा दिए, वो बॉयलर के अंदर प्रेशर कितना है वो बता करते रहेगा। अब प्रेशर गेज लगाने का मतलब आप समझते हैं, क्यों लगाते हैं, हमको बॉयलर के अंदर का प्रेशर जानना कितना है। नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग, अब फ्यूजिबल प्लग वही है जैसे आपने देखा है घरों में जो हमारी एमसीबी होती है उसमें फ्यूजिबल प्लग लगे होते हैं। जब अगर इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है तो ये फ्यूजिबल प्लग बर्न हो जाते हैं यानी ये कनेक्शन टूट जाता है। सेम यहाँ भी क्या होता है, फ्यूजिबल प्लग एक तरह से इंडिकेटर होता है। तो इंडिकेटर जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर हमारा वाटर लेवल इतना है, फ्यूजिबल प्लग यहाँ पे लगा रहेगा। अब अगर वाटर लेवल जैसे यहाँ पे अगर मान लेते कम हो गया तो यहाँ पे ओवरहीटिंग चालू हो गई, ओवरहीटिंग हुई तो ये होगा क्या, इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर जब जैसे ही इसका ज़्यादा हुआ तो ये क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो हमारा जो इंडिकेशन है वो आ जाएगा कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो हमारा फ्यूजिबल प्लग है ये गन मेटल का बना होता है, गन मेटल। काम इसका यही होता है इंडिकेट करना कि ओवरहीटिंग हो रही है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मेन यही होता है, जहाँ जैसे मान लें फ्यूजिबल प्लग हमारा यहाँ पे माउंटेड है, अब वाटर लेवल अगर कम हो गया तो वाटर लेवल कम है तो हमारी जो स्टीम है ये इसकी क्वांटिटी में डायरेक्ट क्वांटिटी में आ सकती है, तो डायरेक्ट क्वांटिटी में आएगी तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ माउंटिंग फ्यूजिबल प्लग हो गया। नेक्स्ट हमारा ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक ये क्या होता है, जो भी हमारा बॉयलर ड्रम होता है उसमें क्या होता है, नीचे जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे एक वाल्व लगी होती है, इसको ब्लो ऑफ कॉक बोलते हैं। यहाँ एक होता क्या है, जो भी हमारा बॉयलर है इसको हमको अगर क्लीन करना है, पूरा खाली करना है तो हम ब्लो ऑफ कॉक का यूज करते हैं। इसको हम यहाँ से खोल देंगे, जो भी कुछ भरा होगा वो वापस निकल जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, जो भी स्केल्स वगैरह रहती हैं जब हम इसकी सफाई करते हैं, इसकी जब हम क्लीनिंग करते हैं, तो जब क्लीन करेंगे तो जो भी कचरा वगैरह गार्बेज निकलेगा हम उसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक तरह से ये ब्लो ऑफ कॉक जो भी अंदर है मटेरियल उसको खाली करने के लिए होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ हमारा फीड चेक वॉल्व। फीड चेक वॉल्व क्या होती है, जैसे कि हमारा जो वाटर लेवल होता है, जो वाटर हमारा एंट्री करता है बॉयलर में, तो उसको हम देखते हैं कि कितना एंट्री कर रहा है। तो ये एक तरह से मेजर करके बताता है कि वाटर रेट क्या है जो बॉयलर के अंदर जा रहा है। तो फीड चेक वॉल्व वाटर का फीड रेट चेक करता है। नेक्स्ट होता है स्टीम स्टॉप वॉल्व। अब देखें जैसे हमारा जो पावर प्लांट है काफ़ी बड़ा कंपोनेंट, काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, यहाँ पे जो हमारी टर्बाइन रोटेट कर रही है, तो मान लें अगर हमको कुछ रीजन से हमको अपना ऑपरेशन रोकना है, तो अगर ऑपरेशन रोकना है तो हम अचानक से रोक नहीं सकते हैं कि हम वहाँ से पहले फीड ऑर्डर कम करें या हीटिंग कम करें। हमको क्या करना होता है, अगर किसी तरह हमको जो भी हमारी स्टीम जा रही है टर्बाइन के अंदर इसको कंट्रोल करना है, तो हमारी एक बॉल्व लगी होती है, इस बॉल्व के हल से हम स्टीम पूरी तरह से रोक सकते हैं। तो जैसे यहाँ से बॉयलर से स्टीम जा रही थी इसको हम पूरी तरह यहाँ रोक देंगे, इसको बोलते हैं स्टीम स्टॉप वॉल्व। तो ये हमारी कुछ माउंटिंग्स होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसरीज की। तो देखिए जो हमारी एक्सेसरीज होती है वो क्या करती है, मेन काम उनका क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ाने का। एफिशिएंसी मींस जो हमारा बॉयलर काम कर तो रहा है लेकिन और अच्छी तरह से करे, इफेक्टिव तरीके से करे, इसके लिए हम एक्सेसरीज यूज करते हैं। तो हमने काफ़ी सारी एक्सेसरीज पहले से ही पढ़ रखी है, जैसे हमारा सुपर हीटर हो गया। अब इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाले हैं, सुपर हीटर हमको पता है क्या है। दूसरा हमारा हो गया क्या, इकोनोमाइजर हो गया। तीसरा हमारा एयर प्री हीटर हो गया। ये एक तरह से हमारी क्या है, एक्सेसरीज ही है। सो इनके बारे में कुछ भी आपको नहीं बता रहा, आप सब जानते हैं क्या होते हैं ये। नेक्स्ट हमारा इंजेक्टर हो गया। इंजेक्टर क्या होता है, जो भी हमारा वाटर होता है उसको बॉयलर में इंजेक्ट करने का काम करता है इंजेक्टर। नेक्स्ट स्टीम, नेक्स्ट स्टीम ट्रैप होगा। अब जो हमारा स्टीम ट्रैप है समझते हैं ये क्या होता है, ये एक तरह से ड्रेनेज सिस्टम होता है। जैसे हमारी जो स्टीम है पाइप पे फ्लो हो रही है, तो हो सकता है जो हमारा स्टीम यहाँ से फ्लो हो रही है तो अगर कुछ प्रेशर यहाँ पे कम हुआ तो जो स्टीम है वो कंडेंसेट हो जाए। जो कंडेंसेट होती है तो इनको ड्रेन करने के लिए हमारा स्टीम ट्रैप यूज होता है, इसकी ड्रेनेज के लिए।
स्टीम ट्रैप हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये आगे जाके कोई हमको नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए हम इसको यहीं आगे ड्रेन कर लेते हैं जैसे इसका कंडेंसेशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टीम सेपरेटर की। स्टीम सेपरेटर, अब जैसा इसका नाम बता रहा है स्टीम सेपरेटर क्या होता है। अब देखिए जो हमारा स्टीम सेपरेटर है इसको कैसे समझ सकते हैं, ये हमारी पाइप है तो इस पाइप पे हमने तो यहाँ से तो स्टीम बना के सेंड किया है लेकिन इसको टरबाइन तक जाना है और टरबाइन के बीच कहीं रास्ते में ये हमारा वाटर पार्टिकल्स भी कन्वर्ट हो गया, तो वाटर कहीं पे अगर कन्वर्ट हो गया तो ये स्टीम सेपरेटर होता है। ये क्या करता है, स्टीम एंड वाटर को अलग अलग कर देता है, तो स्टीम वाटर को अलग अलग कर देगा तो स्टीम यहाँ से चली जाएगी, वाटर को ये रोक देगा, तो इसको हम स्टीम सेपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कन्फ्यूज ना हो, स्टीम ट्रैप एंड स्टीम सेपरेटर में जो स्टीम ट्रैप होता है ये इसको डैमेज करने के लिए होता है, जैसे यहाँ पे जो वाटर पार्टिकल बने हैं इसको ड्रेन करने के लिए क्या होता है, स्टीम ट्रैप होता है, लेकिन जो हमारा स्टीम सेपरेटर होता है इन दोनों को अलग अलग करता है, तो इसलिए आपको ये इतना याद रखना है। तो ये हमारी माउंटिंग्स एंड एसेसरीज हो गई हैं। और नेक्स्ट आपके सिलेबस में कुछ बॉयलर्स भी हैं, तो बॉयलर मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जैसे कई काफ़ी सारे बॉयलर हैं आप किसको किसको पढ़ेंगे, तो आपके लिए आपको कुछ बॉयलर्स नोट्स में दे रखे हैं आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आपको एक लेक्चर सजेस्ट करता हूँ आप वो लेक्चर देख लें उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने तो कोई बॉयलर नहीं पढ़ा था क्योंकि वैसे ही काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है पावर प्लांट का तो आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। अब अगर एक दो क्वेश्चन आ भी जाते हैं प्री में तो आप उसको लीव कर सकते हैं, हालांकि अभी तक क्वेश्चन आए तो नहीं है पर हो सकता है कि आपकी किस्मत में ना हो तो आ जाए, पर तो आप उसको छोड़ दें क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो कई सारे बॉयलर हैं आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। या भी अगर मैं लेक्चर बना भी देता हूँ तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपका टाइम ही वहाँ पर लगेगा, इतना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी किसी के मन है पढ़ने का तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको लेक्चर सजेस्ट कर देता हूँ, अब मैं डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दूंगा आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ से बॉयलर चैप्टर एंड होता है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जेट इंजन, रॉकेट इंजन। सो थैंक यू।